आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं धीरज, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आए हैं हमारे साहब श्री हरिनंदन बाबूजी को ऑफिशियल फेसबुक पेज के माध्यम से। ये हमारे साहब श्री हरिनंदन बाबूजी के आने वाले 4 सितंबर को पुण्यतिथि है, उन्हीं के विषय में कुछ सूचनाएं आए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सूचना को शुरू से अंत तक जरूर देखें और साथ साथ वीडियो को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप सभी मेरे चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संदेश, आने वाले 4 सितंबर 2023 को शिव शिष्टा के जनक और हम सब के आध्यात्मिक पिता ब्रैने गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी को शिवलीन हुए 1 वर्ष होने जा रहा है। इस 1 वर्ष में हम सब ने साहब की शारीरिक अनुपस्थिति महसूस की, परंतु साहब श्री का सतत आशीर्वाद और स्नेह सभी शिव शिष्यों शिष्याओं को मिल रहा है। उन्हीं की ऊर्जा के बदौलत हम सब अपने गुरु महादेव की चर्चा एवं उनके गुरु स्वरूप की स्थापना के निमित्त कार्य कर रहे हैं। पूरे विश्व में यह परंपरा है कि जनमानस अपने प्रिय के शिवलीन होने के उपरांत प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि का आयोजन करता है। साहब श्री की मानसा हमेशा से रही थी कि शिव के शिष्यों से किसी को परेशानी ना हो। साहब की इस आध्यात्मिक यात्रा के हम सब यात्री हैं, इसीलिए आओ चलें शिव की ओर के उद्घोष के साथ साहब के बताए पथ पर खुद भी चलने को संकल्पित हो और जनमानस को भी इस यात्रा से जुड़ने के अवगत कराने का संकल्प लें। साहब श्री हम सबके हैं, इसीलिए हमारी आप सभी से प्रार्थना है कि पुण्यतिथि को पुण्य स्मरण के रूप में साहब श्री द्वारा बताई बातों को स्मरित करें और उसको आत्मशांत करने का प्रयास करें। हम तमाम शिव शिष्यों शिष्याओं का भी कर्तव्य बनता है कि साहब के शिवलीन होने के 1 वर्ष पूरा होने पर हम यथा समर्थ अपने घर या उसके आसपास के लोगों को भोजन करा सकते हैं। इसमें अनाथालय, वृद्धाश्रम, निर्धन और असहाय लोगों के साथ भी आप भोज का आयोजन कर सकते हैं एवं चर्चा, भजन और पुष्पांजलि के माध्यम से साहब श्री को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। किसी भी तरह के बड़े आयोजन से परहेज करें, चाहे एक ही आदमी को भोजन क्यों ना कराएं, अपने सामर्थ्य से कराएं, क्योंकि साहब श्री से आप सबका व्यक्तिगत आध्यात्मिक संबंध है। इस आयोजन के लिए कोई किसी तरह का चंदा रसीद नहीं काटेंगे और न ही सार्वजनिक स्थल पर भोज का आयोजन होगा। मुख्यालय उपवन भी अपने स्तर से साहब श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। अपने गुरु महादेव साहब दीदी से दया और आशीर्वाद की कामना एवं आप सबों से सतत सहयोग की अपेक्षा और प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम। अर्चित आनंद, आप्त सचिव सा मुख्य सलाहकार साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उपवन रांची, झारखंड। यानी आने वाले 4 सितंबर को साहब श्री हरिनंदन बाबूजी के पहला पुण्यतिथि है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे साहब बाबू जब से शिवलीन हुए हैं उनके अनुपस्थिति के बहुत ही महसूस करते हैं, हम सब बहुत ही मिस करते हैं अपने साहब बाबू को। लेकिन वो जाने से पहले बता दिए थे कि हम शिवलीन हो भी जाएंगे, जितना हम शरीर में रहकर नहीं देख सकते आप लोगों को, उससे कई ज़्यादा हम शरीर में नहीं रहने के बाद आप लोगों को देखूंगा।
आप लोगों के दिलों के बातों को सुनूंगा। हमारे साहब बाबू शिवलिंग हुए पर हम सभी के बीच में हैं, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सांसारिक परंपराओं को देखते हुए हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम अपने साहब श्री हरनंद बाबू जी के पुण्यतिथि पे हम कुछ ऐसे व्यक्ति को भोजन कराएं, जैसे में वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ऐसे वैसा व्यक्ति जिनको खाने को कुछ नहीं, वैसे व्यक्तियों को भोजन कराना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि हमारे साहब बाबू आध्यात्मिक पिता हैं, हमें शिव शिष्टता के राहों पे चलने को सिखाए हैं। इस रिश्ता से वो हमारे आध्यात्मिक पिता हुए। इसी कारण हमारा यह दायित्व है कि अपने पिता के पुण्यतिथि पे हमको जितना समर्थ है उतने से ही, चाहे हम एक ही व्यक्ति को क्यों ना भोजन कराएं, लेकिन करवाएं अपने आध्यात्मिक पिता के वास्ते, अगर आपको समर्थ है तो। बाकी इतना ही वीडियो में कहा गया है, और आगे जो भी सूचनाएं आएंगे मैं आप लोगों के बीच में इसी चैनल के माध्यम से जरूर उपस्थित रहूंगा। और साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक सूचनाएं इतना ही आए हैं, और जो आगे आएंगे आप लोगों के बीच में जरूर शेयर करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को ही पिंट करेंगे, उससे पहले आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप सभी मेरे चैनल पेलवत प्रिजन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यही पिंट करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम, मैं धीरज। रिकॉर्डिंग स्टूडियो जल कर हमें जल लिया शिव गुरु दहिया हमार बुढ़ई तई रे जान रे जान रे दहिया हमार बुढ़ई तई रे जान रे जान शिव गुरु के शरण में जिंदगी बिताई तू रे जान रे जान शिव गुरु के शरण में जिंदगी बिताई तू रे स्टूडियो जल कर बेटा बेटा।